गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के कोर गेम प्ले में। आज मैं नीचे की तरफ जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूँ, क्योंकि उन लकड़ियों की कीमत आम पेड़ों की लकड़ियों से काफी ज्यादा है। पर गाइस मैंने सुना है वहाँ पर काफी सारे राक्षस रहते हैं, क्यों ना वहाँ पर जाकर उन राक्षस का काम भी तमाम कर दूं। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैं जंगल के पास में आ गया, क्यों ना यहीं पर उतर जाते। यहाँ पर तो काफी पेड़ है, चलो और नीचे जाकर उनकी लकड़ियों को काट कर घर ले चलते। लगता है इन पेड़ को बड़े हथियार से काटना होगा, काफी मारने के बाद भी पेड़ों को कोई असर नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, वो पेड़ तो छोटी लकड़ी में बदल गया। और गाइस इसके सिर पर तो दो सायरन लगे हुए हैं। अच्छा हो गया यहाँ से भागकर कहीं पर छुप जाऊं। ओ माय गॉड, वो तो अभी तक वहीं पर चुपचाप खड़ा है, क्यों ना उसके पास जाकर उसको वापस ये करीब से देखूं। इसके अंदर तो कोई हलचल नहीं हो रही, क्यों ना सामने समुद्र में जाकर वहाँ से थोड़ा पानी लेकर आ जाऊं, ताकि उस लकड़ी के ऊपर डालकर उसको वापस ये बड़ा पेड़ बना। यहाँ से समुद्र तो सच में काफी दूर था, पर आखिरकार मैं पानी के पास पहुँच गया। अब तो इस पानी की मदद से उसको वापस बड़े पेड़ में बदल दूंगा, बस वो अभी तक वहीं पर हो। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैंने उसके ऊपर पानी डाल दिया, क्यों ना अभी यहाँ से दूर चला जाऊं। ओ माय गॉड, उसकी तो साइज बड़ी हो गई, पर अभी तक उसके पत्ते नहीं आए, वो तो अचानक से गायब हो गया। ओ माय गॉड, वो तो मेरे पर ही हमला कर रहा है, आखिर अब मैं करूँ क्या। नहीं 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 नहीं, धत तेरी की, गाइस इससे पीछा छुड़वाना ही होगा, पर वो तो हाथों से उठाकर काफी दूर फेंक देता है। क्यों ना मौके का फायदा उठाकर सामने समुद्र के पानी में कूद जाऊं, क्योंकि वो पानी के अंदर नहीं आएगा। अब तो यहाँ से तैर कर मैं काफी दूर चला जाऊंगा, जहाँ तक वो पहुँच ना पाए। देखो गाइस सामने जंगल, क्यों ना दौड़ कर वहाँ पर चला जाऊं, ताकि आसानी से पेड़ों के बीच में छुप पाऊं। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो डायनासोर है, अब इससे मेरे को कौन बचाएगा, क्यों ना उससे छुपकर यहीं पर रहूं। पर गाइस वो कमीना तो अचानक यहाँ से कहीं और भागने लग गया, क्यों ना उसका पीछा करूं और पुलिस को उसके बारे में बता दूं। ओके तो गाइस आप देख सकते हो वो डायनासोर सामने जाकर खड़ा हो गया, पर पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। देखो पानी के अंदर घुसकर मछलियों को खाने की कोशिश कर रहा है। ओ भाई साहब, उसको तो मेरा पता चल गया, क्यों ना पहाड़ के दूसरी तरफ भागकर कहीं ऊंचाई पर चला जाऊं। वो कमीना तो यहाँ भी आकर मेरी धुलाई करने लग गया। पर गाइस अच्छा हुआ मैं पानी के अंदर आकर गिर गया, शायद उसको पता नहीं कि मैं यहीं पर नदी के अंदर हूँ, क्यों ना चुपचाप उसको जान से मार दूं, शायद उसको कुछ हो रहा है। पर काफी मारने के बाद भी उसको तो कोई असर नहीं हो रहा, अच्छा हो गया यहाँ से भी भाग जाऊं। पर गाइस वो तो यहाँ भी आकर मेरे को खाने की कोशिश कर रहा है। चलो जल्दी से पैराशूट को खोल लेते हैं, वो तो पीछा कर कर यहीं आ रहे हैं और अब उछल उछल कर मेरे को खाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं उसके हाथ नहीं आ रहा। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैं उसके हाथों मरने वाला हूँ, पर अचानक से सायरन ने डाककर मेरे को उसके हाथों बचा लिया। अब दोनों में लड़ाई हो रही है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से जीत कर मेरे को कौन खाएगा। क्यों ना रॉकेट मारकर मैं एक साथ दोनों को खत्म कर दूं, ताकि दोनों से छुटकारा मिल जाए। पर वो तो एक जगह रुकी नहीं रहे, मैं उन पर निशाना नहीं लगा पा रहा, मैं तो उनके बीच में फंस गया, क्यों ना वापस से उनको मारने की कोशिश करूं। Oh no! इस बार कुछ भी हो जाए वो मेरे हाथ तो नहीं बचेंगे। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैंने उनको खत्म कर दिया, और साथ ही साथ में सायरन हेड भी खत्म हो गया, क्यों ना अभी इस जंगल को छोड़कर मैं वापस अपने घर लौट जाऊं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहती हो मैं इसी शानदार वीडियोस बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।